नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पूर्वी चंपारण में हुई एक अनोखी शादी, ऐसी शादी आपने कभी नहीं देखी होगी। आपने तो कई शादियां देखी होंगी, पर दो जानवरों की शादी नहीं देखी होगी। वह भी दर्जनों बारातियों के साथ नहीं, बल्कि सैकड़ों से बाराती शामिल हुए जानवरों के बारात में। इंटरेस्ट की बात तो यह है कि जिस वक्त शादी हुई, उस वक्त शहर में धारा 144 लागू था। हालांकि यह शादी हिंदू रीति रिवाज से परिणय सूत्र में बंधे पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी के मजुराहा गांव में हुई। अनोखी शादी आजकल चर्चा में है। इस शादी के चर्चा में होने की खास वजह है, दरअसल यहां एक कुत्ते और कुतिया की शादी कराई गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस शादी को पूरे हिंदू रीति रिवाज का भी ख्याल रखा गया है। कोल्हू और बसंती की शादी में एक दिन पहले मटकोर पूजा और हल्दी की रस्म भी की गई। फिर अगले दिन शादी की भव्य तैयारी की गई, जिसमें मंडप बनाए गए, टेंट लगाए गए, बारातियों को खाने के लिए हलवाई को रखा गया था, डीजे साउंड सहित हर तरह के इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि जिस कुत्ते की शादी हुई उसका नाम कोल्हू है और जिस कुतिया से शादी हुई उसका नाम बसंती है। इनकी शादी में बैंड बाजा और डीजे का भी इंतजाम किया गया था। शादी में 400 से अधिक लोग पहुंचे थे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की शादी उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। वहीं शादी कराने वाले पंडित धर्मेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि कुत्ते और कुतिया की शादी सभी को कराना चाहिए, क्योंकि ये भैरव का रूप होते हैं और इस तरह की शादी कराने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। वहीं हलवाई रणेश कुमार सहनी ने बताया कि इस शादी में करीब 400 लोगों का खाना बनाया था। जो भी हो, लेकिन आस्था अंधविश्वास से अलग ये शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस शादी का वीडियो खूब जमकर वायरल हो रहा है। होने जा रहा है शादी किसका? बसंती के या कोल्हू के? हाँ, दोनों बहन सोचे थे, उसे थे पाले थे, उसको खिलाते पिलाते हैं, तो सोचे कि ये लोग शादी कर देते हैं। हम अच्छा लगता है, दीदी तो हम कभी बोलना था ना वही। हाँ, ये पूजा भैरव बाबा का हो रहा है। भैरव बाबा का जी? अच्छा, तो आप लड़का पक्ष से लड़की पक्ष से? लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों पक्ष का हम लोग मिल कर कर रहे हैं। भैरव बाबा का मांग है हमारे यहाँ, कुछ मनौता है इसीलिए। मनौता है इसलिए ख्याल आया, कहीं इसी तरह गए घूमने, कोई आशीर्वाद दिया, वो मनावता दिया कि ऐसे आपको करना होगा। वो अच्छा, कर रहे हैं। आपको मनुष्य का शादी जिस विधिवस्त होता है उसी तरह भी हमको कर रहे हैं। वो भी आप करा रहे हैं? बहुत खुश है, सारे समाज खुश है, सारा समाज खुश है। पहला है क्या? जी पहले हम करा रहे हैं। कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जी, और हर शादी में जैसा नेक मिलेगा वैसा नेक भी यहाँ मिल रहा होगा। जी जी कोई जी जी अभी तक 1000 रुपया मिल गया बा। अच्छा। जी कोई कमी नहीं के बहुत खुश है। जी जी बहुत, गांव के भी लोग खुश है। जी जी बहुत, पूरा गांव के लोग भी खुश है। क्या क्या खाना बनाया है? सादा शाकाहारी है। शाकाहारी क्या क्या बनाया? चावल दाल सब्जी है। चावल दाल तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने लोगों का खाना बना? 300 लोगों का खाना। 300 लोगों का खाना बना। ये मेरे गाँव का सिस्टर लगेगी, कुत्ता और कुतिया का। कुत्ता कुतिया का जी शास्त्र के हिसाब से मैंने कभी देखा नहीं था। मेरे पूर्वजों ने आज तक नहीं बोला था कि कुत्ता और कुतिया का शादी संपन्न हुआ है। आम महुआ का विवाह जो हुआ था वो देख मैंने सुने थे, देखे तो नहीं थे। तुलसी जी का शादी हुआ था ये भी देखे थे, वो अलग की बात है। लेकिन ये कुत्ता कुतिया का जो शादी है ये फर्स्ट बार मैं देख रहा हूँ और मेरे दरवाजे पर ही हो रही है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि बहुत खुश, सारे गाँव के लोग खुश हैं, एकदम खुश हैं। यहाँ सब लोग खाएगा, यहाँ जो भी है शाकाहारी का आइटम है, लेकिन यहाँ मड़वा भी जो हला है वो कुत्ता कुतिया के लिए ही हला है और विशेष कुछ नहीं। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ का, मतलब ये आज तक हम लोग उम्र में देखे नहीं थे। उम्र नहीं, हम लोग कभी भी हम लोग देखे नहीं थे, इतना बड़ा उम्र हो गया आज देखने में, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। ये हमारे छोटे अंकल और बड़े अंकल, सॉरी छोटे अंकल और आंटी के हो रहा है, मतलब ये लोग करा रहा है लोग। ये मन्नत इन लोग का है जो ये हम लोग को जानकारी नहीं है। ये लोग अपना मन्नत रखा हुआ था, ये लोग का मनोकामना पूरा हो गया है, जिसके कारण ये लोग ये शादी किया है।
शादी होता हम कुछ सोचे थे, हमको अच्छा हुआ, मंशा पूरा हुआ था, हम सोचे मंशा था मेरा बच्चा लोग के, बच्चा लोग के कुछ हमको अच्छे थे, बच्चा लोग के हम जो सोचे से पूरा हो गया। अच्छा। हम भैरव भैया मानते हैं। अच्छा। भैरव जी, तो हम सोचे इनका शादी करा देते हैं, उसके बाद हम अगले साल आमा महुआ का शादी करेंगे, तुलसी का शादी करेंगे, उसके बाद अपने बच्चों लोग का शादी करेंगे। तो पहले हम भैरव भैया से शुरुआत किए हैं। तब किस पक्ष से हैं? लड़का के तरफ से। लड़का के तरफ। मेरा नाम हुआ मन्नू पांडे उर्फ धर्मेंद्र कुमार पांडे। शादी तो आपने बहुत सारी कराई है। बहुत सी शादी कराए हैं, लेकिन आज जो है कुत्ता कुतिया की शादी हो रही है। हाँ जी, कुत्ता कुतिया शादी इससे पहले आप कराए थे? हाँ जी, इसके पहले भी शादी कराए हुए हैं। कहाँ कराए थे? रघुनाथपुर में कराए थे। हाँ जी। और ये कैसी शादी करा रहे हैं? हाँ जी, दूसरा शादी करा रहे हैं। कैसा लगता है आपको शादी? अच्छा है ये शादी? अच्छा, ये गुणदायक है, फलदायक भी है। अच्छा, ठीक है ना। जिस समाज में जिस आदमी ये करता है, जहाँ कराता है, दुख और कष्ट का दूर करने वाला, ये समझिए कि जिसको बाल वंश भी नहीं है वो भी कराते हैं। जो मांगलिक भी हैं, संस्कारिक, जो मांगलिक दोष भी है, जिसको पत्नी मर जाती हैं, वो भी ये कराते हैं। इससे क्या क्या और क्या लाभ होता है? इससे तो अनेकों लाभ है, जिसका कोई गिनती गणना की नहीं किया सकता। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को? हाँ, ये करना चाहिए। किनको करना चाहिए? जिसको शारीरिक कष्ट हो, मांगलिक दोष हो, वो लोग ये करा सकते हैं। ये लोग करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।